हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CRR यानी नगद आरक्षित अनुपात और SLR यानी वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CRR की। देश में लागू बैंकिंग नियमों के तहत प्रत्येक बैंक अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखता है, इसे ही कैश रिजर्व रेशो या नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों SLR की। यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को अपना पैसा सरकार के पास रखना होता है। नकदी की तरलता को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसे ही स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो या फिर वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना कि CRR और SLR क्या होते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।